इजरायली सेना और हमास लड़ाकों की जंग में अब तक हजारों बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है। इजरायल के 1400 से ज्यादा नागरिकों ने जान गंवाई है और जब से जंग शुरू हुई है इजरायल के जवाबी हमले में 7300 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालांकि इस आंकड़े को लेकर दुनिया के अलग अलग हलकों में संशय है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का कहना है कि उन्हें फिलिस्तीनियों द्वारा जारी की जा रही संख्या पर भरोसा नहीं है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि गाजा में मरने वालों की संख्या बताई जा रही संख्या से कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग तो मलबे में दबे हुए हैं और उन्हें अभी तक आधिकारिक आंकड़े में नहीं जोड़ा गया है। मानवाधिकार की जिरह करने वालों ने फिलिस्तीनियों की पीड़ा को खारिज करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान की आलोचना की है, मगर संख्या का सवाल अब भी रहता है कि इसराइल हमास की जंग में अब तक कितने फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में मरने वालों की संख्या गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है। मंत्रालय इन मौत के आंकड़ों के लिए एकमात्र आधिकारिक जरिया है, क्योंकि इसराइल ने गाजा की सीमाओं को सील कर दिया है। विदेशी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता बहुत ही सीमित हैं। ऊपर से इसराइल की तरफ से भारी बमबारी चल रही है, घेराबंदी है, टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं ठप हैं, बिजली बंद है, हवाई हमलों ने सड़कें तोड़ दी हैं। फिर स्वास्थ्य मंत्रालय मृतकों की संख्या जोड़ता कैसे है? मृतकों पर इतनी बारीक नजर रखना जटिल काम है, मगर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक पिछली जंगों में मंत्रालय की गिनती UN के आंकड़ों, स्वतंत्र जांच और यहां तक कि इसराइल के आंकड़ों के आसपास ही रही है। UN और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और विशेषज्ञों का कहना है कि गाजा मंत्रालय ने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सटीक संख्या बताई है। मिसाल के लिए 2008 युद्ध, मंत्रालय ने बताया कि 1440 फिलिस्तीनी मारे गए, UN ने बताया 1385। 2014 का युद्ध, मंत्रालय ने 2310 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की सूचना दी, UN ने 2251। 2021 का युद्ध, मंत्रालय ने कुल 260 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के आंकड़े दिए, UN ने 256। हालांकि गाजा अस्पताल हमले के वक्त मंत्रालय की गणना सटीक नहीं थी। पहले उन्होंने जानकारी दी कि 500 लोग मारे गए हैं, अगले दिन उसे 600 कर दिया गया और फिर बाद में घटाकर 471 किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि 100 से 300 लोग मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो इस संख्या तक पहुंचे कैसे। वहीं इसराइल का कहना है कि मंत्रालय ने आंकड़ा बढ़ा दिया था। गाजा मंत्रालय सही नंबर तक कैसे पहुंचता है? स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किदरा का दफ्तर गाजा शहर के शिफा अस्पताल में है। AP की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें प्रांत के हर अस्पताल से लगातार डेटा आता रहता है। अस्पताल प्रशासन बिस्तर पकड़ लेने वाले हर घायल व्यक्ति और मुर्दा घर में आने वाले हर शव का रिकॉर्ड रखता है। वहीं रिकॉर्ड अल किदरा को भेजा जाता है। मंत्रालय अन्य स्रोतों से भी डेटा इकट्ठा करता है, जैसे स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी सोसाइटी NGO, रेड क्रिसेंट। हर कुछ घंटों में ही मृतकों की संख्या अपडेट की जाती है। आमतौर पर मारे गए लोगों का नाम, उम्र या जगह नहीं बताई जाती है, लेकिन अमेरिका के संदेह के जवाब में मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को बाकायदा 212 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की। इसमें युद्ध में अब तक मारे गए हर फिलिस्तीनी के नाम, ID नंबर, उम्र और लिंग डाले गए हैं। तब मरने वाले कुल फिलिस्तीनियों की संख्या 7028 थी, लेकिन इसका ब्यौरा नहीं है कि मौतें कैसे हुई हैं। सभी को इजरायली आक्रामकता का शिकार बताया गया और मंत्रालय कभी भी नागरिकों और लड़ाकों के बीच अंतर नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र और अन्य समूहों की जांच के बाद स्थिति साफ होती है। इस पारदर्शिता की कमी की वजह से मंत्रालय की आलोचना भी की जाती है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? गाजा में 2007 से ही हमास का शासन है, लेकिन न्यूज संगठन और एजेंसियां लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर ही निर्भर रहे हैं। टाइम मैगजीन में यास्मीन सरहान की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार हो रहा है कि संस्था की विश्वसनीयता पर इतनी प्रमुखता से सवाल उठे हों। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के पूर्व ब्यूरो चीफ लूक बेकर, जिन्होंने 2014 से 2017 तक इसराइल और फिलिस्तीन को कवर किया, उन्होंने लिखा कि नागरिक मौतों की संख्या को यथासंभव बढ़ाने के लिए हमास के पास पर्याप्त और साफ एजेंडा है। बाइडन की तरह ही बेकर ने भी कहा है कि बिलाशक मासूम लोगों की जान गई है। उन्होंने तो इतना तक कहा कि मृतकों की संख्या असत्यापित है और जिन लोगों पर गणना का जिम्मा है वो स्वतंत्र रूप से ऐसा कर नहीं पाएंगे। बावजूद इसके वो हमास के एजेंडे की ओर इशारा करते हैं। वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच में इसराइल और फिलिस्तीन के निदेशक उमर शाकिर ने मंत्रालय के नंबर्स की सटीकता की तस्दीक की।
कहा कि मंत्रालय के पास वैसे स्रोत हैं जो किसी और के पास नहीं है, मुर्दा घरों का, अस्पतालों का डेटा, और अंततः गणना करने का सबसे विश्वसनीय तरीका यही होगा। शाकिर का कहना है कि बमबारी के स्केल को देखते हुए यह संख्या आश्चर्यजनक नहीं है। गाजा धरती पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। जिस पैमाने के हवाई हमले उस क्षेत्र में किए जा रहे हैं, मरने वालों की संख्या हमारी अपेक्षा के अनुरूप ही है। अल अहली अस्पताल में हुए धमाके और मरने वालों की संख्या पर उठे सवालों के बाद भी कुछ विशेषज्ञों ने मंत्रालय के आंकड़े पर भरोसा जताया है। साथ ही पश्चिमी देशों के संशय को खारिज किया है। वेस्ट बैंक में रहने वाली राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार नूर ओदेह ने कहा कि फिलिस्तीनी मौतों का आंकड़ा किसी भी ऐतिहासिक जातीय नरसंहार से अलग नहीं है और जाहिर है कि इसराइल इस संख्या को मान्यता नहीं देगा। नूर ने कहा कि सर्बिया के लोगों ने बोस्निया और हर्जेगोविना की मुस्लिम आबादी के नरसंहार की बात से इनकार किया। रवांडा में भी ऐसा ही हुआ। रूस यूक्रेन में ऐसा कर रहा है और उन्होंने सीरिया में असद शासन के साथ मिलकर भी ऐसा ही किया। ये जालिमों की पुरानी चाल है। झगड़ा संख्या पर है और इस पर जोर कम है कि यहां सांस लेते लोगों की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है जो बिना कसूर के जीवन शुरू होने से पहले ही जंग में मार दिए गए। यह जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी सोम ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए दिल अलर्ट। शुक्रिया।